भारतीय जनता पार्टी के फूलपुर उप विधानसभा के प्रत्याशी दीपक पटेल ने भारी भीड़ के साथ नामांकन जुलूस निकालकर भाजपा प्रत्याशी के रूप में फूलपुर विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र आज दाखिल किया। इसके पूर्व नामांकन विजय जुलूस के काफिले का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हाथ में कमल का फूल लेकर और भाजपा का झंडा लहराकर किया। इस अवसर पर उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष वीके सिंह के आवास पर कार्यकर्ताओं को विजय का संदेश देते हुए कहा कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव परिणाम से एक तरफ भाजपा कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह ऊर्जा और बढ़ा हुआ है और दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस में खलबली मची हुई है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ मिलकर फूलपुर में कमल खिलाएं और 2027 के लिए प्रचंड बहुमत के साथ विजय का आगाज करें। उन्होंने कहा कि जो लोग 22 में साइकिल नहीं चला पाए वो लोग 27 में सत्ताधीश होने का ख्वाब देख रहे हैं। हमें विश्वास है कि फूलपुर की जनता के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलेगा और अखिलेश यादव का 27 में सत्ताधीश होने का ख्वाब भी टूटेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन टूट चुका है। डिप्टी सीएम ने कहा कि इनके साथ जो भी जाता है वह डूब जाता है। आज लोग भाजपा के साथ जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सभी 9 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी जीतेंगे और 2027 में भी बीजेपी प्रचंड जीत दर्ज करेगी। 27 की शुरुआत यूपी उपचुनाव से होने जा रही है। एक सीट दाखिल होने के बाद मैं यहां आ गया हूं, बाकी और दाखिल करेंगे। मैं ये कह सकता हूं कि हम फूलपुर सहित उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा में होने वाले चुनाव को जीतेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट चुका है। जो माहौल सपा के पक्ष में या कांग्रेस के पक्ष में लोकसभा चुनाव में बन गया था, अब उस माहौल की हवा निकल गई है। हरियाणा में विजय के साथ भाजपा का विजय फिर आगे बढ़ गया। हमें पूरा विश्वास है कि यह विजय 2027 में 2017 दोहराने के नींव की मजबूत एक बने। अच्छा, अखिलेश और गठबंधन में कांग्रेस में यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी उनके जिलाध्यक्ष नामांकन करने पहुंचे हैं। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य इंडी गठबंधन के दल हो, कांग्रेस मुक्त भारत देश, सपा बसपा से मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का जनता ठान। धन्यवाद।